जब मैंने पहली बार इस चीज के बारे में सुना मैं चौंक गया। मैं कहा हैं 3 करोड़ के हेलमेट? अभी मैंने कुछ लोंडो को देखा था पुलिस वालों से बचने के लिए, वो 300 रुपए के हेलमेट ले रहे थे। बट इस 3 करोड़ के हेलमेट की कोई आम बात नहीं है। इस हेलमेट को पहनने वाला एक्चुअली में एक पायलट होता है, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट फाइटर जेट F-35 का पायलट होता है। एंड इस हेलमेट की बात कुछ और ही है। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। सबसे पहली फीचर तो यह है कि एक्सरे विजन होती है इसमें। यह बुलेट प्रूफ होता है, इसके अंदर नाइट विजन भी होती है। एंड सबसे मजेदार चीज, जैसे तुमने आयरन मैन मूवी में देखा था ना, जो हेलमेट पहनता था तो उसके आमने सामने सारी स्क्रीन्स, सारा डेटा आता था कि कैसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ें इस हेलमेट में पॉसिबल है। आपको सारा रियल टाइम डेटा, आपके जितने भी कैमरा के जो एक्सेस है ना अलग अलग उस फाइटर क्राफ्ट के, वो सारा कैमरा का एक्सेस स्क्रीन में आपके हेलमेट में दिखता था। इतना एडवांस हेलमेट है ये, तो आई थिंक 3 करोड़ वर्थ। 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो चलो क्यों ना अब 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 6G के उससे और ज़्यादा होने वाली है। तो टेक्निकल बातें करते हैं। 5G में बेसिकली होता क्या है कि वो अल्ट्रा हाईटेक फ्रीक्वेंसी से डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करती है। तो बेसिकली जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज़्यादा आप डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हो। तो 5G जो है वो बेसिकली आपका 100 GHz तक कर सकता है, एंड 6G आपका hundreds of gigabytes, इवन terahertz तक कर सकता है। एंड एक मजे की बात बताता हूँ, जो 6G टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की जो प्रोसेसर्स होते हैं ना, वो अभी तक बने ही नहीं है। वो सेमी कंडक्टर जो है वो बने ही नहीं है, तो पहले उन पर काम होना बाकी है। एंड अगर स्पीड की बात करें तो 1 TB/s की स्पीड से आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि 142 घंटे की नेटफ्लिक्स मूवी 1 सेकेंड में। फ्यूचर में जैसे हमारा ब्रेन और हमारी मशीन्स एक साथ लिंक करके काम करेंगे ना, तो उस स्पीड को मैच करने के लिए 6G टेक्नोलॉजी ही यूज होगी। तो टैटू बनवाने के लिए कौन कौन सोच रहा है? खैर इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे महंगे टैटू के बारे में बताऊंगा। तो कहानी स्टार्ट होती है साउथ अफ्रीका में, जहां पे एक शिमांस्की नाम से एक डायमंड का रिटेल स्टोर है, एंड उन्होंने अपनी ही ब्रांड एम्बेसडर मॉडल के ऊपर ये टैटू बनवाया है। एंड मजे की बात, ये टैटू इंक से नहीं बल्कि हीरो से बनवाया गया है, ठीक है। एंड इस टैटू को बनवाने के लिए टोटल 8 घंटे लगे थे, एंड टोटल 617 पीस लगे हैं डायमंड के। एंड सबसे मजेदार बात बताना भूल ही गया, इसकी कॉस्ट है टोटल $984,000। इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो टोटल 6,93,81,000 रुपए बनते हैं। भाई 6 करोड़ का टैटू, भाई इतने पैसे कमा लो, टैटू तो बनवा ही लोगे, न जाने क्या क्या कर लोगे। BMW किस किस को पसंद है? हर किसी को ख्वाब जरूर हो कि हाँ काश मेरे पास BMW गाड़ी हो और मैं चलाना चाहता हूँ। बट एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ, 95% लोग, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रॉपर सर्वे कहता है कि 95% लोग आखिरकार BMW का जो फुल फॉर्म है ना उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं पाते हैं। अब BMW जो कंपनी है वो जर्मन कंपनी है, एंड जैसे हम लोग बोलते हैं ना BMW, वैसे वहाँ के लोग नहीं बोलते हैं, वहाँ के लोग सिंपली BMW बोलते हैं। एंड उसका जो फुल फॉर्म है वो कुछ ऐसे बोला जाता है, बायरिश मोटोरन वर्क है, जो कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है बवेरियन मोटर वर्क्स, क्योंकि इस कंपनी को फाउंड किया गया था बवेरियन नाम की जगह में, जो कि जर्मनी में स्थित है। सीख लो अभी से, क्योंकि कल को अगर को गाड़ी खरीदने जाओ तो नाम कम से कम सही से बोलना है। ये वीडियो मेरे सारे उन मिठाई लवर्स के लिए एंड स्पेशली रसगुल्ले लवर्स के लिए है। ये वीडियो में जो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, इस वीडियो के बाद आप सब हर कोई गिल्ट फ्री बिना कुछ सोचे समझे आराम से रसगुल्ले खा सकते हो। रसगुल्ले कुछ बहुत ही अनोखे और इंटरेस्टिंग फ़ायदे होते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये है कि उसमें खूब ज़्यादा कैल्शियम एंड विटामिन डी होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में खूब हमारी बोन्स स्ट्रांग होती है, एंड मेल्स में स्पेशली टेस्टोस्टेरोन स्ट्रांग रहता है, लाइक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छे खासे रहते हैं। उसके अलावा तुम कभी भी थके हुए हो ना, तुरंत रसगुल्ले खा लो, देखो कैसे फटाक से एनर्जी आती है, इतने बढ़िया कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें। चलो इन दी एंड मुझे ये ज़रूर बताओ कि रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है तुम्हें कि गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है, मेरे फर्स्ट कॉमेंट में वोट करके बताओ अभी के अभी। टिल देन बाय बाय।